लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसकी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा लाखों गांवों में बसता है। आज जब हिंदुस्तान विश्व में उन्नति और समृद्धि की दौड़ में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची। नए जमाने की तेज रफ्तार से बेखबर ये छोटे छोटे गांव सदियों से गुमनामी और अज्ञान की काली चादर ओढ़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं। ये कहानी हमें ऐसे ही एक गांव में ले चलती है। अरे कुछ नहीं होवेगा, तू देखना। चुप कर रहा। देखना तू अभी आवेगी, अइया कोई को नहीं आवे। चुप कर रहे सब लोग। कृपा से हुआ है दिनू चाचा। यो सब तो ऊपर वाले की कृपा है। आज मारो कांजी हो तो जो अट्ठे तो कित तो खुश हो तो। पर थारो कांजी है कटा चाचा। भारी है, संभाल के लगाना भाया। हाँ। बड़ा सामान दिखे इसमें तो।
कांजे तू आ गया ना, अब बड़ा मजा आएगा। बता गांव में सब लोग कैसे हैं? अब्दुल, हरी, गुरु सब वैसे के वैसे ही हैं। तू देख लेना ये बक्सा मा के रे कांजी। अरे दादाजी के लिए लाया हूँ, घर पे दिखाऊंगा। अरे दादाजी ने तो बस कमाल ही कर दिया, उनके ही कारण आज गांव में बिजली आ गई है। मने याद है वो दिन जब डाकिया पहली बार यो खबर लेके आया। अरे शहर से चिट्ठी आई है चाचा की। दादाजी की चिट्ठी है। अरे दादाजी की चिट्ठी आई है रे। अरे शर्मा भाभी दादाजी की चिट्ठी है। अरे भाई दादाजी की चिट्ठी है। अरे गुरु भाई दादाजी की चिट्ठी है। क्यों शोर मचा रहा है? मामूली चिट्ठी क्यों मचावे? क्यों हो गया तन्ने? यो कोई मामूली चिट्ठी जरूर कोई मंत्री कने सो आई है। तो खोल सोना पढ़ के। अरे क्या हो गया तन्ने? अरे चाचा थाने बहुत बड़ो इनाम मिलन वालो है शहर में। मंत्री जी कने से थाने बहुत बड़ो तमगा मिलेगा चाचा। के बोला है डाकिया? सुना भी गाँव वालो शहर जाने की तैयारी करो रे। फिर तो रात भर गांव वाले नाचते रहे और सवेरा होते ही दादाजी निकल पड़े शहर के लिए। अच्छा, पर कांजी तने दादाजी के इनाम के बारे में पता कैसे चला? टीवी से। नमस्कार, मैं हूँ माया बंसल और हम गवर्नर हाउस से सीधा प्रसारण कर रहे हैं इस बोल डाले। खाओ ना संजू भैया। कम कांजी कम कम, बाद में फोन करता हूँ। अच्छा संजू भैया, आपकी तो शादियाँ वादियाँ हो रही हैं। हाउ स्वीट। दूर से। अच्छा संजू भैया, ये बताओ ना शादी में होता क्या है? छोटे नवाब, तुम क्या जानो शादी क्या होती है? तुम तो जिंदगी भर इस नो एंट्री में एंट्री मारते रहो, बहुत तरक्की करोगे। डैड ये टेढ़ा है, संभालो इसे। आपने फिर से नो एंट्री में एंट्री मार दी। कितनी बार बोला कि एक दिन हवलदार पकड़ लेगा। छोड़ेगा नहीं। स्टॉप इट। क्वाइट। सेरेमनी स्टार्टिंग। चावर गांव की श्री दीनानाथ जी को। वाओ ये। अरे वाह। बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। आप ये बताइए कि जिस दुर्लभ कला के पीछे आपने अपने जीवन भर मेहनत की, आज के नौजवान उस कला को अपनाने से कतरा क्यों रहे हैं? बताइए। सरकार, मैं अनपढ़ गवार, मैं औरों के बारे में के जानूं? बस आपने जो इज्जत दी, बड़ी मेहरबानी आपकी, दया ऊपर वाले की। लेकिन बाबा कहीं तो कुछ कमी है। सरकार, चाहते तो बहुत लोग हैं कि यो काम करें, लेकिन अंधेरे में अपनी आंखें कौन फोड़े? हमारे गांव में बिजली नहीं है ना। आज मैं आप सबके सामने ये वचन देता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके गांव में घरों में बिजली होगी और रोशनी होगी। कांजी रे, अरे तेरे दादाजी गांव के नहीं पूरे देश के हीरो बन गए। कांजी माय बॉय। मुया हरिया, ए अब्दुल, गुरु, कहाँ तुम लोग? आ जाओ दादाजी। कांजी तुझे देखने को। कितना बड़ा हो गया हमारा बिट्टू। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए, बहुत बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आप भी बूढ़े हो गए दादाजी, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई है। सच दादाजी, उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो गया था घर से, जिस दिन आपको पुरस्कार मिला था टीवी पे। दया उसकी। दादाजी को टीवी? कुछ भी बोलता रहता है। चल बेटा। अरे एक मिनट, मैं तो भूल गया, शहर से आपके लिए तोहफा लेके आऊं। लेके आता हूं। सूर्या जा। हाँ। अरे मांगीरा, जरा उठाना उसको। क्या रे कांजी? हाँ सूर्या, संभाल के। बहुत भारी है। सूर्या संभाल के। सूर्या सूर्या उठाओ, संभाल के। संभाल के। बहुत पता है मेरी। चलो। हाँ ले आओ ले आओ। जल्दी चल चल। सरत लगा ले। मोटर है इसमें, मोटर। घास खा गया है क्या तू? मोटर ऐसे हुए कहीं? अच्छा तने सब मालूम है, मोटर में जन्म लियो तू तो। अरे कमर तोड़ दी। अरे सूर्या, ऊपर जाना एंटीना के पास, वो छतरी के पास। अरे माँ बताओ,
इसमें कढ़ाई हो से ऊंची वाली बड़ी वाली गाँव भर का भोज करावेगा अपना कांजी। यो तो गोड़ गोड़ लागे है, जरूर नाम होवेगी। हाँ वाह ठीक है ठीक है। सूर्या ए सूर्या पकड़। अरे तेरी। हाँ इसको डंडे बेटा। एमा घूम तू। हाँ माँ जानू ये के है, ये बारिश का पानी जमा करने वास्ते बर्तन है बड़ो सो। अच्छा, दो बरस से पानी कटे हरी। देख देख के बोल तो माँ, इतनी सी बात समझो कोनी, सबके सब निपट गंवार है। है ना पानी भरने के वास्ते बर्तन बड़ो सो। छेद वाला बर्तन था के। हाँ हाँ निकालो तुम, निकालो। अरे हरी, अरे हरी, आजा आजा उठा 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 उठा। ये उस ट्रेन नहीं है, आराम से उठा आराम से। ये लोग आओ नहीं लाए, चल यार उठा संभाल के। हाँ चल जाके बैठ जा। पावर हरी ये। अरे ये बर्तन, ये रस्सी केबल, रस्सी बक्सी में करिया ही पता नहीं। हाँ इधर क्या कर रहा है अगर आ जाने। हाँ बैठो बैठो। हाँ बैठो बैठो सब लोग बैठो। यो बता, 10 साल के बाद तू लौटा है, इस दफे कुछ दिन रहेगा ना मेरे पास? हाँ पूरे महीने की छुट्टी लेके आया हूँ। लेकिन ये सब छोड़िए, ये बताइए शहर कैसा लगा, मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात कैसी रही, और सबसे जरूरी बात ये, मेरा तोहफा कैसा लगा आपको? यो तो बता, तू इतना कीमती तोहफा लाया कैसे? अरे लाया कहाँ से दादाजी, बस समझ लीजिए कि मिल गया। हुआ यूं कि संजू बाबा की शादी के वक्त इसके बाद तो तू रोएगा। अरे रोएगा तू? मीट माय वाइफ, क्या नाम है इसका? मरेगा सर। आरती, हाय आरती, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, संजू पी 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 से मुझे एक चीज याद आया, मुझे बहुत जोर से पी आई है। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अभी आया अभी आया अभी आया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? संजू भैया छोड़िए, सीधे खड़े रहिए। कांजी मेरा नाड़ा नाड़ा अटका, हाथ उठाइए। क्यों हुआ, कैसे हुआ? किया में मिले तो फिनाइल भी पी लोगे तुम। आंटी जी जी जी
कांजी कांजी का माय ब्रदर, कांजी मेरा भाई, मेरा बचपन के दोस्त, मेरे लंगोटी यार, माय चड्डी फ्रेंड, मैं चाहता मैं तुझे कुछ दे दूं यार, प्लीज यार, कुछ कुछ क्या चाहिए तुझे, बोल बोल बोल। संजू भैया मुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो है मेरे पास। हमेशा आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि कभी लगा नहीं कि मैं एक नौकर हूं यहाँ पर। और मुझे क्या चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद लेकर तो तू नरक में जाएगा। क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहा है बच्चे, है? देख नाटक बंद कर, बोल तुझे क्या चाहिए, सच्चे बता तुझे क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए मैं तेरे को दे दूंगा। अगर आपको कोई इतराज ना हो। नहीं, मैं सोचा था हमारे किचन में वो टीवी है ना, वो साथ ले जाऊं दादाजी के लिए। वो फर्टीचर ब्लैक एंड व्हाइट छोटा टीवी? हाँ। नहीं हाँ? देख कांजी, मेरे शादी पर किसी ने मुझे 29 इंच टीवी दिया डिश एंटीना के साथ, तू दादाजी के लिए वो ले जा। बीपीएल है, बिलीव इन द बेस्ट। अरे नहीं, मैं कैसे ले जा सकता हूँ वो तो बहुत बड़ा है। बड़ा है? हाँ। अरे एक टीवी के साथ मैं अपनी बीवी भी फ्री दे दूंगा। यो सब कृपा ऊपर वाले की है बेटा, कि तुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं। मने एक ही डर है कि कहीं वो टीवी गांव वालों को बिगाड़ ना दे। अरे दादाजी, ये टीवी गांव वालों को क्या बिगाड़ेगा, बल्कि काफी चीज सीख सकते हैं टीवी से। तू इन भोले भाले इंसानों को जानता नहीं बेटा। अच्छा सुन, कल जाके ठाकुर से मिला। क्यों? बस मैंने बोला ना, मिला। ठीक है, मिलूंगा।
दादाजी देर हो गई, रात को बहुत देर से सोया था ना। सूर्य कहाँ है? पता नहीं, बस आता ही होगा। सर्वजन्म कृतम पापम अश्विन विनश्यति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम पंडित जी। अरे कांजी, जीते रहो। कैसो गबरू जवान हो गए हो है तू तो, हा? अपने दादाजी से मिलने आयो है? हा? तेरा दादाजी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, सरकार से तमगा जो मिल गया। पर बेटा अपने गुरुजनों को कहीं मत भूल जाना। अरे पंडित जी, हम तो आपके चाकर हैं। अरे पंडित जी, क्या बात है, हमसे कहीं पूजा में कोई भूल हो गई के? ना ना, भूल तो शायद मारे से हो गई। जब भी आज कोई भी गांव से मंदिर की ओर आता नहीं दिखे, ना जाने गांव में कौन सी बीमारी फैल गई, या फिर प्यारे भक्तजनों ने भगवान को भी छुट्टी दे दी। कुछ तो बात है महाराज, हम पता चलाते हैं। शिव हरि। चले आ बेटा। जीते रहो, जीते रहो। हरि शिव, हरि शिव। हे कांजे, हे। सूर्या, पता है सवेरे क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक लड़की देखी, सुंदर सी, मस्त मोरनी जैसी, अपनी धुन में नाचती गाती। वाह, क्या लड़की थी यार। अच्छा, पर वो थी कौन? पता नहीं, उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया। अरे फिर भी पता चल गया कि वो सुंदर है, कमाल है। अबे हो सके कि वो बैंगी हो, अंधी बैरी हो, हद हो गई यार। क्या बड़ी अजीब सी बात है, है ना? देखे बगैर ही पता चल गया कि वो सुंदर है ना? अजीब सी बात। क्या अजीब बात है दादाजी? यही के गांव के लोग गए कट्ठे, उसी नाचती गाती छोरी को ढूंढने गए होंगे। कौन सी सुंदर? यो के बोले? कुछ नहीं दादाजी, ये तो पागल है। वो क्या है कि सूर्य के पास एक बंदेरिया थी, वो खो गई। अरे मुझे लगता है देर रात तक टीवी देखे होंगे, इसलिए आज सवेरे कोई जल्दी नहीं उठा। टीवी डरी मत, सब आ जाएंगे। गांव में कोई नजर नहीं आ रहे, कट्ठे गए सब लोग।放在这里。啊，欢迎收看《和府快乐》。这样的话，你做出来的时候呢，那个菜的部位跑出来了。先呢，将那个虾、辣椒，我们呢，啊，香菇放在这里。放在这里啊，虾米，啊，可以了。来，可以了。来，行，这个葱，切一点。देख, 啊，कैसा मक्खन की तरह कतर के धर दियो एक मिनट में। है? अरे तू है? लगी रहे इतनी सी छुरी लेके धक धक धक। तो माँ की यो कसाई की छुरे से भाजी काटू? मारी नाजुक कलाई मुर्गी तो। यो हथनी की सुनना, क्या मैं
बाजू कलाई साली एक जमा के धर दे तो भैंस बैठ जाए टकार लेके। ओ पहलवान को ब्याह के लायो है तो भुगतना तो पड़ेगा। अरे भाया जब ब्याह के लायो तब 18 साल की छुई मुई का फूल थी। छुई मुई की फूल थी। बाद में फूल का गेंदा होगी तो मैं क्या करूं। हाय अल्लाह कुल्हाड़ी से तो सब्जी काटेगा। अरे मेरी जान देखी नहीं के टीवी पर कैसा बुरा सा छुरा घुमा रहा था सनासन सनासन है? मन ने कम समझो के मैं भी घुमा सकूं वैसे। कुल्हाड़ी गलत छलक जगह लग गई तो। अरे कुछ को नहीं हो रहे पड़ी रहे चुपचाप। याली ताकत दे कि ये बैंगन काट सको। केओरिया ये सब कहाँ है भगजन कहाँ है चढ़ावा दान दक्षिणा नगद नारायण। अरे भगवान यदि यही हाल रहा तो बहुत जल्द आपने फाके पड़ जाएंगे और ये सब उस कांजी के सैतानी बक्से के कारण। कचौड़ी खानी चाहिए उस मुंह से कैसा कैसा काम कर रही है लाला। सड़के मरेगो बेशरम मुंह में कीड़े पड़ेंगे। कौन जी तेरे शहर में यही सब होएगे तेरा मालिक भी यही सब करेंगे। राम 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 मन ने तो नहाना पड़ेगा ये सब देखकर। अरे नहीं रे ये तो फिल्म है इसमें ऐसा होता है। ओम नमो नारायण वासुदेवाय ओम नमो नारायण वासुदेवाय ओम नमो नारायण वासुदेवाय दंडवत महाराज ओम नमो नारायण वासुदेवाय ओम नमो नारायण वासुदेवाय ओम नमो नारायण हरी शिव हरी शिव हरी शिव हरी शिव ओम नमो नारायण वासुदेवाय ओम नमो नारायण वासुदेवाय। राम राम पंडित जी जीते रहो जीते रहो। आज आप ही आ गए दर्शन देने। हाँ जरा छोटे ठाकुर से मिलवा दे भाया बहुत जरूरी काम है। पर पंडित जी हुक्म तो नारिया है। नारिया कठे बाप जी ने घनी खम्मा हुकुम ने के बात पंडित जी आज सवेरे सवेरे मारे भाग कैसे जाग गए हैं। इधर से गुजर रहा था मन ने सोचा सोचा थाने
रब पंडित जे थे सोचन लग गया तो मैं कैठा घंटी बजाऊंगा। यो सोचन फोचना काम मारे ऊपर छोड़ दो, हर बुद्धे की बात बताओ। हुकुम, गांव पर किसी बुरे साये का असर पड़ गया है, आप समझ लीजिए कि गांव का विनाश निश्चित है। सावन बातों पर छाना बंद कर और असल बात बता। असल बात? हुकुम, हुकुम, गांव के लोगों की मति फिर गई है, पूजा पाठ छोड़ दिया उन लोगों ने, सारे गांव का आलम शमशान जैसा हो रखा है। जब से वो छोरा आया है तब से लोग मंदिर का रास्ता भूल गए। हुकुम, कौन सा छोरा? कांजी, दीनानाथ जी का पोता, और शहर से हुकुम एक जादुई बक्सा लेकर आया है जिसमें किस्म किस्म के फोटो दिखते हैं, और फोटो देख देख कर सारा गांव पागल हो रहा। हुकुम, सबने काम काज ध्यान धर्म पूजा पाठ। यो के जादुई बक्सा, जादुई बक्सा लगा रखी है। अच्छा टीवी? हाँ तो पंडित तारी जान इसलिए जल रही है क्योंकि तारी दान दक्षिणा बंद हो गई मंदिर में। हुकुम, दान दक्षिणा बंद होगी तो ये बामन खाएगा क्या? और फिर उस जादुई बक्से ने कहीं लोगों का दिमाग फिरा दिया तो आप ही के खिलाफ बोलने लगेंगे। मेरे खिलाफ बोलेंगे? हरीश हरीश। खाल में भूसा भरवा के गांव के पीपड़ पे उल्टा लटका दूंगा एक एक बहन के यारों को। हरीशु हुकुम। आशा थे पधारो, मैं देख लूंगा। जीते रहिए हुकुम। हरीशु 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 हरीशु। काल उस छोरा ने बुलवा रहे हुकुम। राहगीर हूँ, रास्ता भूल गया। सुना इस पहाड़ के पीछे एक गांव है? है, लेकिन तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी सूरत अच्छी नहीं लगती। और मुझे तुम्हारी मूछें अच्छी नहीं लगती। जाओ। तो ऐसो है सहरी नाई। देखा, तू तो अपने उस्तरे से भी ऐसा ना मुन सके। शहर के लोगों की बात ही निराली है भाया। सूर्या, ऐसे मत बोल यार, हरी को अभी बहुत कुछ सीखना है। क्यों हरी? हाँ, अभी बहुत कुछ सीखना है, सीख जा। मुझे नहीं लगता कि वो सीख पाएगा। नहीं नहीं, सीख जा। अच्छा? हाँ। कांजी कौन है रे? मैं हूं कांजी। छोटे ठाकुर ने हवेली पे बुलाया है। ठीक है, सवेरे आ जाना, समझा? चल। यो सब कह रहे कांजी? पता नहीं, टीवी देख। कौन हो तुम? परदेसी। कहां से आए हो? पहाड़ वाले रास्ते से। तुमको किसने रास्ते में रोका? नहीं, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस दुनिया से जा चुके हैं। मारे पास भी गजब घोड़ो है। ठीक गए सारे गांव वाले, लगता है डर गए मन्ने देव का। आवाज बदलो। डरे गए ही, हरी से कौन नहीं डरता। कमाल की छुरी है। Ha ha ha!
हाँ यार एकदम पागल हो गया वो सूर्या वो देख अरे वही कांजी कौन रे अरे वही यार सुबह वाली अरे कांजी खुजा बेटे खुजा खुजाते खुजाते अपने खोपड़े में छेद कर दे जिसे वो लड़की का भूत जो तेरे भेजे में घुस गया है ना वो निकल आवे क्या है चल जा छोटे ठाकुर है हाँ है हुकुम हुकुम मारी जमीन बचा लो मारी जमीन बचा लो हुकुम मारो बाल बच्चों ठोक हुकुम जमीन नहीं 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 थे चिंता ना करो मैं सब ठीक कर दूंगा है आवो कलेक्टर ने कांजी आया है हाँ अच्छा थे पधारो है चलो हाँ कांजी आजा बैठ खमा करनी ठाकुर जी बैठो जी नहीं आपने मुझे याद किया अरे हम तो कब से याद कर रहे हैं तेरे को पर तू शहर जाके बड़ा आदमी हो गया है भूल गया ना हमको भूल गया ना है मैं तो आने वाला था हुकुम अरे यो मैं क्या सुन रहा हूँ तू शहर से कोई टीवी सीवी लेके आया है ओ वो जी दादाजी के लिए लाया हूँ अब तो घर में बिजली भी आ गई है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल काहे नहीं काहे नहीं घणो अच्छो काम करो है तू कांजी तू भी बिल्कुल अपने बापू जैसा है बड़ा ही भला आदमी था वो भी हमेशा गांव के भले की बात करता था शहर गया तो वहां से नए नए विचार लेके आया गांव की उन्नति के गांव का उद्धार करना चाहे था पर पता नहीं एक दिन कटहे गायब हो गया बेचारा है खैर कांजी फिर गांव के गरीब लोग हैं ना इनको ये उन्नति फुन्नति पचती नहीं है ना उनको पचती है सिर्फ रोटी नए जमाने के नए रंगों से ये दूरी रहे तो अच्छा है क्योंकि निच्ची मुंडी करके चाकरी करना इनका धर्म है भाग्य इनका किस्मत है भैया के करे हैं अपने बाप दादाओं की तरह इनको भी यही करना है हैं कांजी तू जानता नहीं है ये जो अपना गांव है ना ये एक जंगल की तरह है जिसके पेड़ अपने को साया भी देते हैं और फल भी इनमें से एक को भी अगर तूने काटने की कोशिश करी तो सारी लय बिगड़ जाएगी और जब ऐसा होता है ना तो सैलाब आ जाते हैं भयंकर सैलाब तू समझ रहे ना मैं कहीं कह रहा हूं शाबाश शाबाश समझदार तो है ही छोरा मुंबई से जो आया है हैं अच्छा छुट्टी पे आए हो घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो है हाँ अगर किसी चीज की जरूरत हो मारे को बोल देना ठीक है शर्माना नहीं है हाँ शाबाश हैं अब जाओ
कांजी था ना? हाँ, घना ही तेज है यो छोरा, और इसकी यही तेजी इसको ले डुबेगी एक दिन। हमने बैठने को कहा तो बैठा नहीं बहन का यार। जानता था कि अगर कुर्सी पे बैठता तो हमसे बराबरी कर बैठता, जो हमको रास नहीं आता, और अगर नीचे बैठता तो खुद छोटा हो जाता है, जो उसको गवारा नहीं। पढ़ाई घुन्ना है साला। देख कांजी, मारी मान, और इस ठाकुर से तो तू दूर ही रहे। तू अभी जानता नहीं इसे, ये जिसको शाबाशी देता है ना, उनके घर उजड़ जाते हैं। तन्ने तो धमकी दी है उसने। छोड़ ना यार, जो भी होगा देखा जाएगा। तू इतना फड़फड़ाता क्यों है? ठीक है भैया। ए सूर्या, उस लड़की को मैंने वहां देखा। अबे तू फिर शुरू हो गया, कौन थी वो? उसकी आंखें बड़ी हिरनी जैसी। नौकरानी पर्वतिया? उसके बाल रेशम के लच्छे। ओ अच्छा, वो उसी ठाकुर की। गुलाब की पंखड़ियों जैसे होठ थे उसके। ओ अच्छा, अब समझा, वो ठाकुरायन की ताई होसी। अबे तेरी ताई की, मैं यहाँ उसकी सुंदरता की बखान कर रहा हूँ, तू है क्या की ठाकुर की चाची भतीजी बैठका हुआ है। मुझे लगता है कि वो ठाकुर के यहाँ काम करती होगी और वही आसपास रहती होगी। कौन होगी वो यार? अरे यार होगी कोई यार, तू चलना अब यहाँ से, चल। अरे कांजी सुन, तू ठाकुर को ही जाके क्यों नहीं पूछ लेता? कसम फिरोज खान की, यो हरी नाई भी सहरी नाई से कम ना है। एक एक के मुच्छा मुंड के धर दूंगा, बच के कट्ठे जाएगा। मन ने थारी मुच्छा पसंद नहीं, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा, थारी मुच्छा। कैसे चल सका? कुछ रात को कुछ गलत सलत खा लियो हो सी, बांसे ढीलो पड़ गयो है, और कुछ नहीं है। ओ भाया, इसे कहते हैं स्लो मोशन। क्या स्लम सन? अरे कांजी, मैंने सुना है कि जो सयाने लोग होते हैं ना, वो सब काम धीमे धीमे जमा जमा के करते हैं, जिससे कोई गलती नहीं होती, है ना? अब्दुल भाया, हाँ भाया, तू भी तो बड़ा सयाना है, तू भी सब काम धीमे धीमे जमा जमा के किया कर, तो गांव वाले समझेंगे कि हाँ भाई, हमारा अब्दुल भी बड़ा सयाना है। क्यों? ये उतरा नया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो खानदानी उस्तरा है। ओ, मारे परदादा के जमाने का। वाह, ऐसी धार है इसकी कि पलक झपकते ही दाढ़ी मुंड देवे सटा सट सटा सट। मारो बापू ये मरते वक्त मन्ने दे गयो तो मैं मारा छोरा रे दे जाऊंगा। वाह क्या बात है। पता है हरी, शहर में संजू बाबा रोज नई ब्लेड से दाढ़ी बनाते हैं। अच्छा, और वहां अगर नाई की दुकान में जाओ तो। दुकान काय की दुकान? दाढ़ी बनाने की, और किसकी? और कोई छोटी मोटी दुकान नहीं होती है, 8-10 कुर्सियां, रेडियो पे गाने बजते हैं, टीवी होता है, और ठंडक के लिए बिजली वाले पंखे।
दाढ़ी बनाने की दुकान इतनी बड़ी? हाँ, इतनी बड़ी दुकान। और कई दुकान में तो आदमी औरत एक साथ जाते हैं। के बोले है तुम लुगाइया शहर में दाढ़ी उगान लगी के? नहीं रे बांगड़ू, अरे औरतें अपने बाल कटवाने, नाखून कटवाने, कभी कभी अपने बच्चे भी साथ ले जाती हैं, उनके बाल कटवाने। माँ समझ गए हो भाया। क्या थे मारी मस्करी करो हो? अरे मैं तुम्हारी मजाक क्यों उड़ाऊंगा। अरे कभी कभी तो वहाँ शहर में बाल कटवाने के लिए 100-100 रुपए लगते हैं। माई मिलो तो लू बनाने के वास्ते। अरे मैं तुम्हारी मजाक, हम गांव वाले लोग थे एकदम ही चुगत समझ लियो के हजामत के 100 रुपए लुगाइया दाढ़ी उगाड़ लगी बात करी है। ए कांजे आ रहा हूं। अरे दाढ़ी तो बनवा ले। नहीं पहले नया अस्तर लेके आओ फिर बनाएंगे। अरे चलता हूं। कठे को जा रहे हो भाया। क्या भाया? वाह, ये तो एकदम सयाना बन गया। लेकिन सूर्या तुम्हें नहीं लगता है कि इसको थोड़ा और धीरे चलना चाहिए? या देखो टीवी वाला एकदम धीरे धीरे। और नहीं तो के देख अब्दुल, अगर तेरे से ठीक से होता है तो ही कर, वरना छोड़ दे ये सब, हम लोग मान लेंगे कि ये सयाना नहीं है। नहीं यार ऐसे नहीं, उसको दिखाओ ना पहले, दिखाओ। चल हाँ। चल पीछे 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 रुक। ऐसे धीमे धीमे। ऐसे हाँ देख लिया ना, अभी तुम लगे रहो, हम लोग जा रहे हैं, बाद में मिलेंगे, ठीक से करना। स्लोमो सजना भाया। हाँ तू आया है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार वहाँ मुझे गांव की भी बहुत याद आती थी। तो रुक जाना ठे। नहीं नहीं हो सकता। लेकिन सूर्या उस लड़की का पता लगाना पड़ेगा। अरे तू फिर उड़ने लगा, तू उस छोरी को भूल क्यों नहीं जाता? देख अगर वो छोरी ठाकुर के आसपास भी रहती हो ना तो समझ ले तेरी पहुंच से बहुत दूर है। क्या यार मैं कहाँ ठाकुर की बीवी या बहन को उठा के ले जा रहा हूँ। बात करता है के हुआ, तू तो ऐसे जम गया जैसे कोई चुड़ैल देख लियो तने। चुड़ैल नहीं अप्सरा। तू अप्सराओं को देख, मैं जाके अब्दुल को सिखाता हूँ। हाँ। ए अब्दुल भाया स्लाम अस्सलाम। खबरदार बस सब चुप हो जाओ। सुनिए थोड़ा पानी मिल सकता है? जी। प्यास तो जानी ले लेती।
बाप रे, ये कैसी प्यास है जो पल भर में जान ले लेती है। पता नहीं, आज पहली बार लगी ऐसी प्यास। फिर कभी ऐसी प्यास लगे तो मैं रोज इसी समय पानी भरने जाती हूँ। आ जाना, मैं पानी पिला दूंगी। सोचता है रे अब्दुल, पर मन्ने थारी मुछा पसंद नहीं। मोरी मुछा पुछ क्यों? कांजी, ये तो मुझे कहाँ ले आए? ये सूर्य और मेरी खास जगह है। हम दोनों यहाँ अक्सर आके अपनी दिल की बात करते हैं। अच्छा, तो आज दिल क्या कह रहा है? किसी में तुम्हें चाहने लगा हूँ। हरी के बारे में सुनियो के तू बगला गयो है? हाँ यार, वो बेवकूफ अब्दुल की जान ले लेता। बिल्कुल, अब वो सबको कहता फिर रिया है
कि मैं शहर जा रही हूँ छोरियों की हजामत करने। क्या कांजी, पता नहीं तूने भी क्या भूसा भर दिया उसके भेजे में। तेरी बकवास को वो अब सच मान बैठे है। ए, देख भाया, ना तो मैंने कोई बकवास की है ना कोई भूसा भरा, ये सब तेरी करतूत है। नहीं नहीं तेरी, तू निकला तेरी, था तू, उसे सैना बनाने, तू बेचारा पागल हो गया। तू ना अब्दुल ने तो बहुत पीटा। हरी हरी थेलो के कारण माँ पीट गया भाया। ए अब्दुल, अरे तेरा दोस्त आया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे देख फिर से पिटेगा। नीचे बैठ जा। अरे 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 अरे, मारी बिटिया रानी कठे जा रही है। कांजी चाचा के घर टीवी देखने जा रही हूँ। अच्छा, अठे तो आ, जरा मारे पास भी आ, मारी प्यारी बिटिया फूल कुमारी, आ जा अठिया, आ जा। अरे हाय माँ, पगला नहीं होके पंडित, फूल जैसी कोमल छोरी पे कोई हाथ उठा ले के? ये फूल जैसी कोमल छोरी कांजी चाचा के घर जा रही है, कांजी चाचा के घर। अरे तेरे कांजी चाचा के कृपा से अप्पा दाना दाना को मोहताज हो गया। तू उसके घर जाएगी तो जा, पहले अय्या कर, एक चाकू ला और मारे सीने में गोद दे, मिल जाएगी सबको मुक्ति। कांजी। ए कांजी, यो देख, लग रही है ना थारे सिनेमा की परकटी छोरी जैसी। बाप रे, सूरत वाला आंख में काजर है, होठ पे वैसी ही लाली है, देख तो सही। के देखे कांजी, थारे सर की चमचमाती छोरियों से कम ना है, तनिक जोबन तो देख इसका, है ना सुंदर? हाँ बहुत सुंदर। Hey, कांजी, ये तो बता, होली कल हमारे साथ खेलेगा ऐसे ऐसे कोई छोरी ले आवेगा?
ए हरिया, तू ये सब बाजीगरी छोड़ क्यों नहीं देता? अरे यार, और कितनों की नाक कान काटेगा? थे देखते तो जाओ, पगला गया, पागल है यार। कल बड़ा मजा आया नहीं, गुलाब बिनती और लक्ष्मी के गालों पे गुलाल लगाने का। मैं सब देख रही हो तो मने सब पता है। के देख रही हो तो मन ने भी तो को कुछ वही गोपियों के संग काना की रासलीला। चलो चलो जल्दी चलो, मंदिर जाना है। मंदिर इस वक्त? किशन की राधा मंदिर में ही होती है ना। हरिया तू भी जाके राधा के दर्शन कर ले। एक आंजी ले जाना इसे। चलो चलो मैं भी चलूं। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं, जा जा। ना ना भाया, मैं नहीं आ रहा, मारे धंधे का टाइम हो रहा है। जा रहा हूं, बाद में मिलता हूं। ए संभाल के निकल रहा हूं। अंधा साला, देख ऐसे देख कैसे। ये जो गांव के छोटे लोग है ना, ये जब तक औकात में रहें ठीक है, इनसे ज्यादा मेल जोल बढ़ाना ठीक ना है। कहीं इससे अपने खानदान की आबरू, कुल की मर्यादा पे कोई आंच ना जाए। दादा, माँ बट्टे होली खेलने गई थी और नाच तो मैं सभी के साथ रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अपनी कुल की मर्यादा को ठेस पहुँचे। शाबाश। अरे बदलो रे इसको, राम सिया की कथा चालू हो गई होगी। हाय अल्लाह, की करे हो? कोई देख लेगा तू? पट्टे कुण है देखण वालो। हाय, तू जरा मारे नजदीक तो आ, थोड़ा ऐसा करते हैं। फिल्म वाला इसक? हाँ। जी? लोकी कहवेगा? लोगा को बतावे के वास्ते कौन जावेगा? तू? दत्त? कहाँ थी तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? कब से इंतजार कर रहा हूँ? होए होए, देख रही हूँ मेरे इंतजार में से गुड़के दो बित्ता कम हो गए हो। अच्छा, अगर कहीं एक दिन मैं आई नहीं तो क्या करोगे? इंतजार करूंगा। कब तक? तुम्हारे लिए कयामत तक। कुछ नहीं, ऐसे ही। वो तो ठाकुर का आदमी है, उसे देख के डर क्यों गई? ए केसी,
कुछ छुपा रही हो? मुझे ऐसे मत देखो कांजी। फिर बताओ। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह वो मारो भाई है। ये तुमने ठीक नहीं किया केसी। क्या ठाकुरों के घर में जन्म लेकर या तुमसे प्यार करके अच्छा नहीं किया? मुझसे ये बात छुपा के अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तो क्या मुझसे प्यार नहीं करते? ऐसी बात नहीं है, समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो एक ही झटके में मेरी जाति बदल देगा। तो फिर यहां क्यों बैठे हो? चले क्यों नहीं जाते? इस प्यार की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। बिल्ली ने खाब में भी छिछड़ाना चरावे, तेरे को हर जगह वही छोरी दिखाई देती है। वो छोरी छोटे ठाकुर की बहन है। क्या तू? लेकिन कांजी तू जानता है ठाकुर हमें? हो गया सत्यनाश, हो गया सत्यनाश। यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तू वहां नहीं रहना चाहती तो मेरी लक्ष्मी तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची। लीजिए आपकी देवी भी पधार गई। पुत्री मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्रभु मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर प्रभु आप क्या करेंगे? सीता राम चरित अति शहर में सुना है बस के ऊपर बस चली। हाँ उसको सड़क पे जगह को नहीं मिला। एक मिनट कण जी, सुना है जो शहर में ऊंचे ऊंचे मकान हुए उसमें आदमी कितने दिन में पहुंचे? ऊपर से मिला दिखा क्या? कण जी शहर में सूरज कौन सी दिशा में उगे? रोज उगे कण जी, वहां भी नहीं रोज पीटे के। एक मिनट, एक मिनट, तुम लोग नहीं समझोगे। चलो बाहर चलो, मैं बताता हूँ शहर कैसे होता है। चलो 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 आ जाओ।
का जादू रे कर बेकाबू रे, शहर में जो जाए लौट के न आए। गांव बड़ा प्यारा लगे, शहरों से न्यारा लगे, बात जो गांव में है पीपरा की छाव में है, शहर में वो कहां रे। शहरों का जादू रे कर बेकाबू रे, शहर में जो जाए लौट के न आए। गांव बड़ा प्यारा लगे, शहरों से न्यारा लगे, बात जो गांव में है पीपरा की छाव में है, शहर में वो कहां रे। शहरों का शहर की छोरी, गांव में लज्जा गांव में घूंगा, शहर में मिलती खुली खुली लग। गांव में रंगत है खुशियों के मेले है, शहरों में सब लोग रहते अकेले हैं। गांव में हर दिन दशहरा दिवाली है, शहरों में सब कुछ है पर खाली खाली है। सच तेरी बातें हैं अब मैंने माना रे, सच तेरी बातें हैं अब मैंने माना रे। इस गांव से अब मुझे भी न जाना रे, इस गांव से अब मुझे भी न जाना रे, ना जाना रे। ढोल बाजे झांझर बाजे, चूड़ी बाजे, पायल बाजे, झुमका बाजे, तसली बाजे, मंजीरा बाजे, घुंघरू बाजे। अरे झूम झूम के हर कोई नाचे, झूम झूम के हर कोई नाचे, हर कोई नाचे, हर कोई नाचे, नाचे 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 नाचे। अरे मुंबई से आया मेरा दोस्त, मुंबई से आया मेरा दोस्त, मुंबई से आया मेरा मुंबई से आया मेरा दोस्त।
जी सूर्या, कौन जी सूर्या, कौन जी सूर्या, बचा ले भाया, बचा ले, अरे बचा ले भाया, अरे हरिया, क्या हुआ? देख देख फिर से पिट रहा है, बचा कहीं तो मार दे आगे भाया, बचा ले भाया, क्या करे बचा ले? छोड़ ना, ये तो आजकल मूंछ देख के ऐसे भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देख के भैंस भड़के, रोज ही पिटता है सारा, कब तक बचावेंगे? पिटने दे। आ जाओ, अरे संभाल के, मेरा निशाना इस बार पक्का था, थोड़ा ही बच गया। अरे क्यों छोड़ने के वास्ते छोड़ने लाया था ब्याह के? कुछ उल्टा सीधा खा लियो के हुकुम? अचानक हुकुम, पंडित जी आए हैं। अरे सुन, बैदों ने घनी खंबा हुकुम। हुकम करो महाराज। उस नास पीटे टीवी ने गांव का सत्यानाश पीट रखा है। जब देखो साले को दस्त लगे रहते हैं, है? अरे बावड़े टीवी के पीटेगा सत्यानाश? वो देख मारे कने भी है टीवी, दिखाऊं तुमने चित्रहार लटके झटके? अरे मन्ने तो कभी कुछ ना हुआ। क्षमा करना हुकुम, आप ठाकुर हैं, औकात बखत वाले बड़े लोग, आपको यो सब शोभा देवे है, पर वो कान जी छोटी जात आपके पांव की जूती हो। तू चकर पकर मत कर पंडित, मुद्दे की बात बोल। मुद्दे की बात यो है हुकुम कि उसका टीवी आपके टीवी से 5 गुनो बड़ो है। उत्तरी भैंड की रंगीन है और एक लोहे की छतरी भी लगा रखी है छत पे उल्टी। केबल तो ना ला लिया बहन के यार ने? मन्ने इतना पता है केवल टीवी लगायो है। अच्छा ठीक है, चल तू फुटले, मैं देख लूंगा, चल छोड़ गावे ने। हरी बार तक। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलिए पंडित जी। एकदम पागल हो गया वो। कांजी भैया, कांजी भैया, कांजी भैया, कांजी भैया, कांजी भैया, गांव में आकर के कांजी भैया, बचाओ, बचाओ, चलो चलो करो, बचा ले, हमारा बच्चा मर जाएगा, बने आओ जल्दी करो, समझो किसी की जान ना गई आग में। अरे यो सब भगवान रामचंद्र की कृपा से हुआ है, वो जान गया था कि गांव में आग लगने वाली है, जब ही आप टीवी में प्रकट होके सबको अपने कने बुला लिया। राम प्रभु की लीला न्यारी है, यो टीवी हम सब की जान बचाया है। यो टीवी लाने वाला कांजी भगवान का भेजा हुआ दूध है। नीचे रखो नीचे। अरे अरे तेरी, अरे तेरी। अब्दुल कहाँ जा रहे हो? कठे आग बुझाने जा रहा हूँ भाया। अच्छा जा। हाँ आग बुझाने जा रहे हैं? हाँ जी। आप कुछ करेंगे या मैं करूँ? ठीक है मैं ही बोल देता हूँ अब्दुल।
आया। वो क्या है कि वो आग बुझ चुकी है मारे बगैर। लेकिन मायूस मत होना, घर के अंदर दो तीन दिए हैं, उसे बुझा सकते हो। चले चल, जल्दी चलो, एकदम जल्दी। हुकुम, हम दीवी उठाकर लाने वाले थे, लेकिन तभी वहां गांव वाले आ गए और हमें भागना पड़ा। हुकुम, सब जानत प्रभु प्रभु ता सोई, तदपि कहे बिन रहन कोई, तदपि कहे बिन रहन कोई। ला भाई ला ला, शक्ति दी, शक्ति दी माँ। अति पावन सीताराम चरित अति पावन। क्यों बड़े हीरो बनते हो, की जरूरत थी आग में कूदने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे क्या होता, और अगर किसी मासूम की जान बचाते हुए मेरी जान चली भी जाए तो इसमें क्या बुराई है? ऐसा मत कहो कांजी, तेरे इस जिस्म में किसी के रूह बसे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो पहला किसी मर जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे होशो हवास पर तुम नशा बनकर जा गई हो। मेरे जिस्म, मेरे रूह के कोने कोने में तुम रोशनी की तरह फैली हुई हो, मेरी सांसों में तुम, मेरे जिस्म के लहू में तुम ही बसी हो। क्या हुआ? देख रही हूँ। क्या? तुम्हारे सांसों में मैं शामिल हूँ, तुम्हारे लहू में भी बसी हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों की लकीरों में मैं हूँ या नहीं? तुम्हें पाने के लिए मैं हाथों की लकीरों को बदल दूंगा, लेकिन कैसे? हाँ कंजी, तेरे भाई का क्या करें? देखो प्रेम लुटेरे के भेष मा आरमता जोग महारा देश मा। देखा तो लगा कैसा
बस में ना मेरा जिया। जाने कहाँ खो गया ये बेचैनी बड़ी कैसे बता देना। दुनिया सजी है मेरी सजनी तेरे नाम से, तेरे लिए बाबरा हो पागल है मन शाम से। यूं ही मुझे तो चाहे हमेशा रब से कसम ले ले कसम दे दे ना बिछड़ेंगे। बात करनी है, केसी ने कांजी के साथ गांव में हुकुम पंडित जी आए हैं। आ गया पंडित है? यो तेरी दाढ़ी को क्या हो गया है? यो काटे कैसे हो गए? यो सब ऊपर वाले की कृपा है हुकुम। ऊपर कौन? भगवान। तेरे कैसा जब भी बोलेगा घुमा फिरा के टेढ़ाई बोलेगा। अच्छा बोल कौन सा उचाड़ा गया आज जो प्रभु अठे को दौड़ पड़े? के बताऊं सरकार, संकट के घोर बादल पूरे गांव पे छा गए हैं। तेरी न जाने किस शैतान का साया पड़ गया कि सबके सब पाप लीला में मगन है। घोर कलयुग हरी शिव हरी शिव। अरे एक भी शब्द फालतू निकाला तो तेरी मुद्दे की बात बोल।
वो मुद्दे की बात यह है कि हुकुम जान की दुआई हो तो वो गांव वाले बात कर रहे थे। मैं नहीं, गांव वाले हुकुम, गांव वाले। के कमे थे गांव वाले? वो बोल नहीं तो बोलने लायक नहीं रहेगा तुम। वो कैसी कैसी को किसी ने हरी शिव कैसी को किसी ने क्या के बोल? वो कैसी और कांजी दोनों हरी शिव एक सांस में पूरी बात बोल। हरिराम नाई ने अपनी आंखों से देखा केसी और कांजी मुंह में मुंह लगाए और गांव के लोगों ने उन दोनों को इकट्ठे देखा। पूरा गांव थू थू कर रहा है। वो लफंगा कांजी आपके फूल जैसी बहन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मन ने सोचा भगत रहते ही आपको बता दूं। केसी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो फिर ठीक है, शहर जाके शादी कर लेंगे। सच? ओ कांजी। क्यों मैं बोत नहीं के कठे देखा तूने कैसे कांजी को? बोल खेत में और ये बात तो सारे काम में तुम मुझे लेने का सुना रहा पहाड़ के यार। बोल पटी को तो कहा था उठा के बाहर फेंक दो इस कचरे को। हुकुम। और तो पंडित मुंह काला कर ठेसे और सुन, एक बात गांठ बांध ले, अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला तो अलग में हाथ डाल कर जबान खींच लूंगा अंतड़ियां समेत। थे महान हुकुम। दफा हरीशो हरीशो हरीशो। बस अब कुछ ही दिनों में तू आजाद पंछी होगी और तेरे सामने होगा खुला आसमान। दादा कठे से आ रही है भेड़ा। दादा मैं वो पार्वती के यहाँ थी सुबह से। अच्छा कमाल है, मैं भी बैठ ही गया था उसके बापू के पास। हाँ तब मैं शायद कुएं पे पानी लेने गई होंगी। कैसी पानी भरने गई थी या हमारी आबरू पे पानी फेरने गई थी? बोल बोल सा बस, किसके साथ थी तू? दादा मैं पार्वती के साथ। तू कांजी के साथ थी? बस तो कोड़ी के नौकर के साथ। बोल बोल ठीक है नहीं? जब आप जानो तो पूछ क्यों रहे हो? कैसी कैसी ऐसे क्यों चुप? कैसी कैसी किस चीज की कमी थी तेरे को? बोल बोल बता मेरे को। कठे कठे गलती होगी मारे से। बोल बता ना। अरे आज आज तेरी तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू क्यों
बोल क्यों? तू जानती नहीं है कैसी, इस कांजी का तो मैं वो हाल करूं। क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? मार डालोगे उसको? तो एक बात कान खोल के सुन लीजिए दादा, अगर कांजी को कुछ हुआ तो आपकी बहन भी ना रहेगी। कोई बात नहीं, चलो दादा। मां ने मुझे आपके हाथों में सौंपा था इस दिन के लिए। अरे आप जैसे जालिम और खुदकश इंसान मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन दादा मैं आपसे नहीं डरती, ये कहते हुए कि मैं कांजी से प्यार करती हूँ। अरे तू तो क्या करे हो? तू हट और सुन, आज के बाद ये घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, खबरदार। और उस कांजी की तो मैं अर्थी निकालूंगा बीच बाजार। दादा जनाजा है। दादा मेरी बात तो सुनो। चला तू से निकले। दादा दरवाजा खोलो। हम दोनों ने फैसला कर लिया कि शहर जाके शादी कर लेंगे। के? यार मैं उसे उस नरक से निकालना चाहता हूँ। उसे नरक से निकालने से पहले तू खुद स्वर्गवासी हो जाएगा। और तूने ये भी सोचा कि तेरे जाने के बाद दादाजी का क्या होगा, मारा क्या होगा, तुम्हारे सभी दोस्तों का ठाकुर के हाल करेगा, कभी सोचा? कांजी यो कोई टीवी की फिल्म नहीं है, यो हकीकत है। ठाकुर इस गांव को राख का ढेर बना देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तू पगला गया है? देख अपनी जिंदगी के साथ तू चाहे जो खिलवाड़ कर ले भाया, पर हमें तो इसी गांव में रहना है। मारा तो कोई शहर नहीं है जाके रहने के लिए, इसलिए तुझे जो करना है वो कर ले, पर हमें बख्श दे। मैं जा रही हूं। सूर्या मैंने कुछ नहीं सुनना। जंगल का कानून चलता है और जंगल में शेरी राजा होता है। शर्म कहाँ गई थी?
जब वो लोग मेरे दादाजी को मारपीट के यहाँ से चले गए और तुम लोग देखते रहे? शर्म की बात करते हो डरपोक साले। कान जी मेरी बात सुन भाया, निकलो यहाँ से, बात तो सुन, निकल जाओ। हुकुम कान जी घर पर नहीं था, सो हमने उसके बड़ों की धुलाई कर दी, पर हुकुम जब हमने टीवी उठाने की कोशिश की तो हमारा यह हाल हो गया हुकुम। गड़े लोग थे हुकुम। न मर्दों की औलाद, सारे के सारे। कौन है जिसमें इतना जोर आ गया? गांव वालों ने सरकार। बिलासगढ़ और पूर्णिया के ठाकुरों से बात करनी पड़ेगी। अब तो हो ही जाए फैसला, और राम के जनों को उनकी औकात बतानी पड़ेगी। कैसी तबीयत है दादाजी? ठीक हूँ बेटा, कृपा है ऊपर वाले की। कान जी कुछ कहना था तेरे से, तेरे बापू की मौत हैजे से नहीं हुई थी। क्या? उस वक्त सारे इलाके में भयंकर सूखा पड़ा था, बहुत गर्मी थी उस दिन, जिस दिन तेरी माँ को दर्द उठा। तेरे बापू से तेरी माँ की हालत देखी नहीं गई, वो एक घड़ा उठा के कहीं चला गया। फिर क्या हुआ? वो जब लौटा तो उसका घड़ा ठंडे पानी से भरा था, लेकिन लेकिन तब तक तेरी माँ चल बसी थी। तेरा बापू वो पानी ठाकुरों के कुएं से लेकर आया था, छोटा ठाकुर तब 17 साल का था। जवानी के जोश में उसने तेरे बापू के साथ, मैं उस ठाकुर को नहीं छोड़ूंगा। ना बेटा ना, अब तो खून का हिसाब खून मिल कर जाएगा। बापू की मौत का बदला लिए बगैर इस गांव को क्या, मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ने वाला। केसी, अरे गौरव भीमा चेनिया, केसी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ? गौरव, चल। जाने निकाल दी। Well, हम स्टार टीवी के रिपोर्टर हैं और इस एरिया से गुजर रहे थे, इसलिए सोचा कि नेशनल अवार्ड विनर दीनानाथ जी का इंटरव्यू भी ले ले। Well, that is if you don't mind. क्या वो घर पर हैं? आइए। Thanks. Guys, come on. You scared the shit out of me. Just sit there. Yeah, man. Thank you.
You know, हम तो बस यही देखने आए थे कि बिजली आ जाने के बाद गांव में क्या बदलाव आया है। लेकिन ये दीनानाथ जी को क्या हुआ? कांजी, दादाजी की तबीयत कैसी है? हम कुछ फल वगैरह लाए हैं उनके वास्ते। कांजी, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। बड़ी भूल होगी हमसे। ससुरा टीवी का नशा मसा ऐसा डूब गया था कि कुछ होशी ना आया। माफ कर दे भाया। इस बार माफी दे दो कांजी। आगे से हम सब थारे साथ हैं, चाहे जो होए। This is amazing. Get your stuff. Come on, let's go. Come on, quick, yeah. Aajo. Yeah. Arey chhod, arey chhod, arey sab dekh rahe hain aap. Samajhta nahi hai. Oh my God. हम बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, buddy. इस स्टोरी को अगर हमने ठीक से कवर कर लिया तो हम लोगों का नया एड्रेस होगा केयर ऑफ फॉक्स न्यूज, न्यूयॉर्क, USA. कांजी, मैं दादाजी के लिए दवाई लेकर आता हूँ. लेट्स गो. हिंदुस्तान के सैकड़ों गांव में से अरे क्या करो रे हरिया. हिंदुस्तान के सैकड़ों गांव में से एक ही गांव था जो पीछे कट. क्या है? क्या है भाई? टीवी. ये टीवी नहीं है, वो रहा टीवी. ओके. हिंदुस्तान के सैकड़ों गांव में से एक ही गांव है जहां पिछले महीने तक बिजली नहीं थी. बिजली आते ही एक नई रोशनी के साथ साथ यहाँ एक नई क्रांति ने भी जन्म लिया है. सदियों से अज्ञान के अंधेरों में डूबी यहाँ की भोली भाली. डैड, आई एम कमिंग. जल्दी जल्दी. क्या हुआ? अरे देख, जो इनके घरों और दिलों के साथ साथ इनके दिमागों को भी रोशन कर रहा है. शहर में काम करने वाला कांजी सबसे पहली बार यहाँ टीवी लेकर आया, जिसके चलते यहाँ एक सामाजिक आंदोलन आकार. क्या लड़की पटाई है? मैं कहाँ जाऊँ? बाप रे. पर शहर की तेज रफ्तार की जिंदगी असर कर रही है और दूसरी तरफ इन्हीं सीधे साधे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आती नजर आ रही है. प्रिया नारायण, झावर विलेज, राजस्थान, स्टार न्यूज. लो, मजा आया? एक रात की जुदाई बर्दाश्त ना हुई तुमसे? कैसी भाग गई? छोरी पर नजर नहीं रख सकते तुम लोग? जल्दी. ठाकुर साहब, क्या ये सच है कि आपने दीनानाथ जी को पिटवाया? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास आपसे बड़ा टीवी है? तेरी बहन के योग कहीं सोता है? अरे कौन है यहाँ प्रकटी फुंटी? अरे ओ छम्मो, चुपचाप निकल लो ठेसे, नहीं तो चीख डालेंगे बीच से खड़े खड़े. या श्योर. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक टेलीविजन रिपोर्टर हूं और इस वक्त पूरा देश आपकी इस बदतमीजी और दादागिरी को बड़े गौर से देख रहा है, एब्सोल्युटली लाइव. और कुछ कहना चाहेंगे? अरे ओ मैडम, ओ मन डराने की कोशिश कर रहे हो के हैं? जानू हूं मैं, तुम भी भट्टा से आए होगे ना, मुंबई से. पर एक बात सुन लो, जो थारा शहर ना है मारा गांव है, अठे मारा राज चलेगा मारे खानदान का, समझ गए? और ना तो उसे तू बदल सकती और ना ही थारा जो कैमरा. अरे ओ अटा, इसको नहीं ठूस दूंगा लकमा पहन के. मेरी सिंदी से बात नहीं बनी अपनी बकवास यार. और एक बात और सुन लो, कान खोल के, अठे मारा राज चलेगा चाहे खड़ा हो चाहे खोटा, बस. और देखो हमारी खोपड़ी पहले से ही खराब है, इससे पहले कि हम थारी गत बिगाड़ दें अपना टीन टपड़ उठाओ और भागो यहाँ से. चलो. और सुनो, अगर तमाशा देखने का और दुनिया को दिखाने का घना ही शौक है ना, तो कल तक रुक जाओ बस, फिर देखो उस काम की के शकल बनाता हूँ मैं. चलो भागो यहाँ से. भागो. ले जाओ ना टपड़ा. बड़े आए टीवी वाले. शहर का जादू रे कर बेकाबू रे.
है ना कांजी का यार? हाँ यही है। कभी कभी मनुष्य पाप करने के लिए इतना विवश क्यों हो जाता है? उसे कौन विवश करता है? उसे विवश करती है उसकी वासना, उसे विवश करता है उसका निहित स्वार्थ, उसे पाप करवाता है उसका क्रोध, उसका मोह। इन शत्रुओं को पहचानो पाप। परंतु ही केशव, हे पाप, जड़ पदार्थ से कांजी, बहुत बुरी खबर है। मैं अभी अभी ठाकुर के घर से आ रही हूँ। वो कल अपने आदमियों के साथ आ रहा है गांव पर हमला करने। योगे बवंडरे भाया, चलो रे चलो अटल से। ठाकुर के आने के पहले निकल लो, चलो। एक छोरा छोरी के साथ बाजी में हम लोग अपनी जान क्यों आफत में डाले भाई? चलो चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो ठहरो। कट्ठे जा रहे हो तुम सब लोग? हाँ, क्या यही है तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारा आपसी प्यार? अरे अभी अभी कह रहे थे कि कांजी भैया, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और अब जब उस पर जरा सी मुसीबत आई तो सब पल्लू झटक के परे हो गए। अरे इतने दिनों से दिन रात आके फाड़ फाड़ कर टीवी देख रहे हो, क्या देखा टीवी पे? हाँ, क्या सीखा? ये तो एकदम झांसी की रानी है, कम स्टार्ट रोल। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले त्रिशो पर खूब ताली मारी सबने। हाँ, और अब जब खुद लड़ने की बारी आई तो सब दुम दबा के भागने लगे। पर केसी, हम लोग ठाकुर के सामने क्या कर सके? इंसानी जिंदगी मिली पर इंसानों के जैसा जीना नहीं आया तुम लोगों को। अरे आज पहली बार मौका मिला है सर उठाकर जीने का। कब तक ठाकुरों के पैर गिड़गिड़ाते रहोगे तुम लोग? अपने लिए नहीं सही तो अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। अगर तुम लोग अपने बच्चों को इस गुलामी की विरासत नहीं देना चाहते तो उठो और लड़ो। वो देखो, देखो टीवी तुमसे क्या कह रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पे धर्म की हानि होगी, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब मैं जन्म लूंगा। आज नई चेतना बनकर कृष्ण हम सबके दिलों में जन्म लेना चाहते हैं। तो उठो, हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। तू तो ठाकुर की बहना है, तन्ने के डर है, गत तो हमारी होगी ससुरी। और क्या, तन्ने तो कुछ नहीं होना, ठाकुर मारे को तो जिंदा भूंज के खा जाएगा। तो बहना, मारे पे रहम कर और तू जा अठे से, क्योंकि यो सारी मुसीबत तेरे ही कारण आई है। ठीक बोले है गुलाबो, अपनी दिल लगी के खातिर तू हमारी जान क्यों जोखिम में डाले है। जा भाई, जा अठे से। क्या कर रही हो? मुर्दों की बस्ती में आवाज लगा रही हो? किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो? इन्हें? ये सब तो मर चुके हैं, इनका जमीर, इनकी हैरत खत्म हो चुकी है। कैसी, ये लड़ाई हमारी है, इसे हम लड़ेंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कांजी भैया, कांजी भैया, कांजी भैया, आप हमारे साथ चलो, चलो जल्दी चलो, कांजी भैया जल्दी चलो।
कि तेरे जाने के बाद दादाजी का क्या होगा, मारा क्या होगा, तुम्हारे सभी दोस्तों का ठाकुर के हाल करेगा, कभी सोचा? अठे जंगल का कानून चलता है और जंगल मां शेरी राजा होता है, और कांजी तू माने या ना माने, इस जंगल में एक ही शेर है।
हौसला अरे ये न हौसला खतरे में ये जान हो कोई भी तूफान हो कोई समय हो कोई नशा चलेंगे चलेंगे हाथों में अस्त्र कर देंगे अपने दुश्मन को मस्त होंगे किसी से अब हम न मस्त
थारी मूछा ही नहीं, दाढ़ी भी पसंद नहीं। कौन जी, मार इस बहन के यार को, मार। ले जाओ इस कचरे के डब्बे को, माय बॉय। क्या बात है कांजी? चलो कांजी, हम तुम्हें और दादाजी को शहर ले जाने आए हैं। चलो चलो चलो। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। आप लोगों से दूर रहके तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब रहना तो इसी गांव में है, अपने गांव में। अरे झूम झूम के हर कोई नाचे, हर कोई नाचे, नाचे 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 नाचे।